नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाने, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से ताजीकर आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, SSC से निकलने वाले अनुवादक भर्ती की SSC के थ्रू अनुवादक भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। इसमें हिंदी अनुवादक की मांग की गई है, हिंदी के जो अनुवादक हैं उनकी भर्ती की जा रही है। केंद्र सरकार के विभागों में इनकी होती है तैनाती। 18 से 30 साल के युवा इसमें कर सकते हैं आवेदन। 30% बदल जाएगा राज्य विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम। 40 से अधिक विषयों के पाठ्यक्रमों पर होगा बदलाव, ऐसा आज के समाचार पत्रों में दिया गया है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रमों में ज़्यादा बदलाव किया जा सकता है और इसमें कहा गया है कि 30% जो सिलेबस है वो पूर्ण रूपेण बदल दिए जाएंगे और नए सिलेबस के साथ अब आगामी जो है परीक्षाएं कराई जाएंगी। वहीं जेईई मेंस दूसरे सत्र की जो परीक्षा है 25 तारीख को निर्धारित की गई है, जिसमें एडमिट कार्ड आज से मिलने शुरू हो जाएंगे। 500 शहरों और विदेश में 17 शहरों में इसके केंद्र बनाए गए हैं। जेईई मेंस के ENTA महानिदेशक विनीत जोशी ने कहा कि छात्रों को परेशानी न हो, इससे उनके ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट थी जेईई मेंस के दूसरे सत्र की परीक्षा की, जो कि 25 तारीख को दिया है होने जा रही है। वहीं अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है, नर्सिंग और जो नर्सिंग का एक पोस्ट निकला हुआ था उसे सलाहकार पैरामेडिकल विभाग की ओर से कैंसिल कर दिया गया है। यह जो है बहुप्रतीक्षित भर्ती थी, लगातार इसमें अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि प्रक्रिया आगे बढ़े, किंतु इसको रोक दिया गया, एक तरह से कैंसिल कर दिया गया। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है, तदर्थ शिक्षकों को अब मानदेय देने की तैयारी शुरू हो गई है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ भी और राज्य सरकार भी इस पर विचार कर रहे थे और विचार करने के बाद 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इनकी बात हुई है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये बना है कि उनको मानदेय दिया जाए। लेकिन इनकी जो तैनाती है उस पर थोड़ा सा संकट है, क्योंकि जब ही आयोग से कोई अध्यापक जाएगा इनको अपने पद को खाली करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोनों समस्याएं हैं, एक तो इनको खाली करना पड़ेगा, दूसरी समस्या है कि जल्दी ज्वाइनिंग नहीं होगी आराम से उन अभ्यर्थियों की जो आयोग से जाएंगे। तो यह कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड से। वहीं 23 पदों के लिए इंटरव्यू आज, 623 पदों के लिए आपको पता है इंटरव्यू शुरू होना था PCS में, तो उसका जो है आज शुरू हो गया है PCS के 623 पदों का इंटरव्यू। और जो भी अभ्यर्थी हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट, राज्य सरकार के जो खाली पद हैं उनके बारे में आज के समाचार पत्रों में सूचना है। साल में चुने सबसे कम उम्मीदवार, केंद्र में 40 लाख के करीब पद खाली है। देखिए, लगातार इसमें ब्यौरा दे रखा है। 2012-13 में 5600 कुछ पद खाली हैं, वहीं 2021 में भी इसी के अनुसार पद खाली हैं। तो एक अच्छी संख्या पदों की खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन उस पर वैकेंसी नहीं आ रही। लाखों शिक्षकों को मिलेंगे 2 लाख टैबलेट, तो 2 लाख अध्यापक हैं तो 2 लाख टैबलेट बांटे जा रहे हैं। सभी को तो नहीं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और डिजिटलाइजेशन करने के लिए लैपटॉप दिए जाने की और टैबलेट दिए जाने की जो वकायदा है वो तेज हो गई है, ताकि जो है अध्यापक सुधरी हुई व्यवस्था से शिक्षण बच्चों को दे सके। वहीं 5000 कंपोजिट मॉडल स्कूल खोले जाने की भी बात कही गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि यूपी में 77.7% जो संख्या है वो गांवों की है, उन जगहों को जोड़ते हुए उन्होंने ग्रामीण अंचल में शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात कही है। और 5000 जो स्कूल हैं वह कंपोजिट वाले खोले जाएंगे, जहां की प्राइमरी से 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो कराई जाएगी। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है कि 5000 विद्यालय
खोले जा रहे हैं। अगर इतने विद्यालय खुलते हैं तो एक अच्छी खासी संख्या विद्यालयों की बढ़ेगी, साथ साथ उसमें काम करने वाले अध्यापकों की भी मांग बढ़ेगी, जिससे नए पदों का सृजन हो सकेगा और नए अध्यापकों की नियुक्ति भी मिल पाएगी। आप सभी जानते हैं अध्यापकों की भर्ती को लेकर के तमाम अभ्यर्थी तैयारी कर रहे होते हैं, हालांकि तैयारी तो हर विभाग से तो बच्चे करते हैं, किंतु इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा अभ्यर्थियों का रहता है और वो कभी परेशान भी रहते हैं सही समय पे सारी वैकेंसीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती की वजह से। वहीं 25 अगस्त को याचिका की सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह याचिका डाली गई थी अग्निपथ को लेकर, योजना को लेकर के, जिसकी कि 25 अगस्त को सुनवाई होनी है। इसमें क्या फैसला आएगा अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, किंतु दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा सुप्रीम कोर्ट से स्थानांतरित याचिकाओं की फाइल प्राप्त नहीं होने के कारण अग्निपथ की जो योजना है उसके खिलाफ जो याचिका है वो 25 तारीख को सुनवाई होगी। वहीं 10% आरक्षण को भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने सेना के अग्निवीरों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल व राइफलमैन के पद हेतु 10% आरक्षण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दिया है। यह महत्वपूर्ण पद होगा, जो महत्वपूर्ण कदम होगा सरकार के द्वारा आगे दिया है नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 5,505 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि पहले 5,000 पदों पर थी। इसमें वही लोग जो है आवेदन कर पाएंगे जिनके पास अनुभव है, साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रखा है। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट है और इसमें वे सारे अभ्यर्थी अप्लाइड हैं जिनका कि हमने कहा नर्सिंग कोर्स उन्होंने कर रखा है। वहीं बात करें अनरिजर्व की तो 2202, ईडब्ल्यूएस की 550, ओबीसी की 1486, एससी की 1157, एसटी की 110 वैकेंसीज शो की गई हैं। तो यह महत्वपूर्ण पद हैं और इन पर जो है यूपी में एक नई वैकेंसी के थ्रू आवेदन मांगे गए हैं। इसमें जो भी अभ्यर्थी नर्सिंग कोर्स किए हुए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। वहीं DSSB के द्वारा भी आप देखें कि वैकेंसीज निकाल दी गई हैं कल, और इसमें TET PGT सारे पद हैं, लगभग 350 प्लस पद TGT के हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं DSSB में आवेदन करने हेतु, वह जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी आपकी भर्तियों से संबंधित। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।